जय हिंद साथियों, देखेंगे चार नंबर क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण का है। तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्ष में का व्युत्क्रम और अब से पांच वर्ष पश्चात आयु का जो एक बटा तीन है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तीन वर्ष पहले और चार पांच वर्ष बाद के जो आयु का अगर हम व्युत्क्रम कर दे यानी उल्टा कर दे और जोड़ेंगे तो एक बटा तीन मिलेगा। समझ लीजिएगा इसको बढ़िया से, तब उसका वर्तमान आयु की बताना है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर वर्तमान आयु x मानेंगे तो इसका उल्टा करिएगा व्युत्क्रम तो वन बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि व्युत्क्रम कैसे आपको निकलना है। तो इस सब जो पहले और बाद में इससे पहले आने वाले क्वेश्चन में भी आयु वाले क्वेश्चन में भी समझा दिया है। अगर पूर्व कहता है तो पहले यानी घटाना पड़ता है। इसे तीन वर्ष पूर्व कह रहा है तो x माइनस तीन कर देंगे और पांच वर्ष बाद कह रहा है तो x प्लस चार पांच कर देंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद व्युत्क्रम कह रहा है तो इसका व्युत्क्रम निकालिएगा तो उल्टा कर दीजिएगा, फिर इसका व्युत्क्रम निकालेंगे उल्टा करेंगे और दोनों को जोड़ने पर जो आपको वैल्यू जो मिलेगा एक बटा तीन। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो है बराबर में एक बटा तीन करके सोल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए जो है हम क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। रहमान की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष मान लेना है। चलिए हमने एक्स वर्ष मान लिया। अब आपको बोला जा रहा है कि तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से तीन वर्ष बाद, सॉरी तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तीन वर्ष पहले पूछा जा रहा है तो इसमें घटाना है। जब भी पूर्व का है तो घटा देना है, तो तीन वर्ष पहले यानी x माइनस तीन वर्ष हो जाएगा। चलिए अब इसका व्युत्क्रम करना है तो उलट देना है। देख लेते हैं पांच वर्ष बाद रहमान की आयु, तो पांच वर्ष बाद बोला जा रहा है तो जोड़ देंगे तो x प्लस पांच वर्ष हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, गौर से देखिएगा क्वेश्चन को। अब बोला जा रहा है कि तीन वर्ष पूर्व रहमान की आयु और पांच वर्ष बाद रहमान की आयु, दोनों के व्युत्क्रम का जो योग है एक बटा तीन है। यहां क्वेश्चन में जो है छूटा हुआ है, यहां से क्वेश्चन हम लिख देते हैं पूरा। चलिए तो बोला जा रहा है कि अब इसका व्युत्क्रम तो x माइनस तीन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, एक बटा x माइनस तीन, एक बटा एक्स माइनस तीन। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम करके तब जोड़ना है, तब प्लस दे देंगे वन बाई एक्स प्लस पांच। व्युत्क्रम का जोग हो गया जो कितना मिलता है तो एक बटा तीन मिलता है, तो बटे कर देंगे एक बटा तीन। ठीक है, चलिए अब इसे सोल्व करिएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं द्विघात समीकरण के, तो पहले हम यहां से बटा के जोड़ कर लेंगे तो x माइनस तीन एक्स प्लस पांच का एलसीएम लेंगे तो x माइनस तीन इंटू एक्स प्लस पांच हो जाएगा। समझिएगा, x माइनस तीन से कट जाएगा तो x प्लस पांच बचेगा, एक से गुना कर देंगे तो x प्लस पांच हो जाएगा प्लस, अब x प्लस पांच से x प्लस पांच कट जाएगा तो x माइनस तीन होगा, तो एक से गुना होगा तो x माइनस तीन बराबर में एक बटा तीन। ठीक है,
अब देखिए ऊपर जो है यहां से ध्यान देंगे कि x x जुड़ेगा तो 2x हो गया, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा बटा, अब इसको गुना कर लीजिए x से x में x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, सॉरी यहां से x से x स्क्वायर फिर x से 5 में करिए, चाहे इस दोनों से उठा के इसमें करके फिर दोनों से इसमें करेंगे, ठीक है आपके पास दोनों तरीका है। तो अब माइनस तीन से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस तीन एक्स, ठीक है। अब फिर इस दोनों से एक पांच में कर लेते हैं तो प्लस पांच एक्स माइनस तीन प्लस पांच से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस तीन पचे पंद्रह बराबर एक बटा तीन, ठीक है। तो यहां से हो गया टू एक्स प्लस टू बटा, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अब पांच गो एक्स में से तीन गो एक्स घट गया तो प्लस दू एक्स माइनस पंद्रह बराबर एक बटा तीन। अब इसको तिरिया को गुना कर लीजिएगा देखिए यहां से, अब इधर तीन से गुना होगा इधर एक से, भाई तीन से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तीन गुना छ एक्स प्लस तीन गुना छ, अब इधर एक से गुना होगा तो वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पंद्रह। चलिए अभी सबको इधर कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पंद्रह, ठीक है। ऐसे समझिए कि हम इसको क्या कर रहे हैं, ये जो है अपने जगह पे ही है, इसे उठा करके हम इधर रख रहे हैं, तो दोनों माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में जाएगा तो यहां से हो जाएगा माइनस छ एक्स और माइनस छ बराबर जीरो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस देखिएगा टू एक्स से छ एक्स घटाएंगे तो माइनस चार एक्स और माइनस पंद्रह गो और माइनस छ माइनस इक्कीस बराबर जीरो हो जाए। चलिए ये द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, अब यहां से हम द्विघाती सूत्र लगा के इसका मूल निकाल लेंगे। तो चलिए यहां से हम लिखेंगे ए बराबर, चलिए तो ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक, बी बराबर एक्स का गुणांक माइनस चार और सी बराबर क्या है माइनस इक्कीस। तो यहां से डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर यानी माइनस फोर का स्क्वायर तो d बराबर b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो यह माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान एक इंटू सी का मान माइनस इक्कीस, ठीक है। चलिए माइनस चार का स्क्वायर प्लस सोलह और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा गुना होकर इक्कीस चौका चौरासी, देखिए चौरासी छ नब्बे दस सौ हो जाएगा। यहां से d का मान निकल चुका है, अब नेक्स्ट पेज पे हम अब वहां से द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x का मान निकालेंगे। द्विघाती सूत्र से फॉर्मूला तो आपको याद है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा टू ए, ठीक है। तो माइनस बी यहां से माइनस बी तो माइनस और बी का मान माइनस चार प्लस माइनस रूट अंडर डी, तो डी का मान सौ है बटा टू ए, तो दो गुने ए का मान एक है, ठीक है। तो यहां से ए का मान हमने रख दिया, सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस चार प्लस माइनस, अब सौ का वर्गमूल कितना हो जाएगा दस, दस दहाई के सौ होता है बट्टा दो,
अब एक्स बराबर देखेंगे कि एक हो जाएगा 4 + 10 बट्टा 2, और दूसरा हो जाएगा 4 - 10 बट्टा 2। ठीक है, तो एक्स बराबर 4 और 10 कितना हो जाएगा 14/2, दूसरा 4 - 10 तो -6/2। इस तरह से यहां से हम कटा लेंगे तो 2 × 7 = 14 और ये 2 × 3 = 6, यानी एक्स का मान जो हो गया +7 और एक हो जाएगा -3। ठीक है, तो एक्स का मान इस तरह से निकल चुका है। अब बात यहां पे आता है आयु की। ठीक है, तो एक्स बराबर 7 तो प्लस में है, तो आयु किसी की माइनस में हो नहीं सकता है, तो एक्स बराबर 7 संभव है, लेकिन एक्स बराबर -3 ये जो है संभव नहीं है। एक्स बराबर जो -3 है यहां से ये जो है असंभव है, लिख देंगे असंभव है। कारण क्या है, तो आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और इसलिए रहमान की वर्तमान आयु बराबर एक्स माना गया था, तो क्या आ जाएगा 7 वर्ष आंसर हो जाएगा। ठीक है, रहमान की आयु 7 वर्ष आंसर हो गया।